नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। अगर आपकी गाड़ी में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर से रिलेटेड, या गाड़ी में आने वाली कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं और इसका रिप्लाई आप इस तरह की वीडियो में पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट लिखने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी, और ये लिखते हैं, न्यू स्विफ्ट डिजायर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, ये गाड़ियों में स्टीयरिंग टर्न लेने पर अपने आप नहीं मूव होता है, एक तरह से पकड़ बनाए रहता है, ऐसा क्यों? दोस्तों, आजकल गाड़ियों में इतने फीचर्स आ गए हैं कि आप स्टीयरिंग को एक उंगली से घुमा सकते हैं, यानी इतना सॉफ्ट स्टीयरिंग हो गया है। ये जैसे हम टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं, तो अपने आप उसी डायरेक्शन में आ जाता है। तो जहाँ तक बात करें मारुति की गाड़ियों में, तो ये स्टीयरिंग की थोड़ी सी अब भी प्रॉब्लम है। हालांकि ईपीएस स्टीयरिंग आने लगा है, सब में स्टीयरिंग एंगल सेंसर भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी मारुति की गाड़ियों में थोड़ी सी स्टीयरिंग की प्रॉब्लम है। जिस तरह से आप हुंडई या होंडा या टोयोटा की गाड़ियों में स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस अच्छी देखते हैं, उस तरह से थोड़ी सी मारुति की गाड़ियों में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके स्टीयरिंग में जो कॉलम है, स्टीयरिंग का जो कॉलम है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कह सकते हैं कि इसका थोड़ा सा स्टीयरिंग टाइट रहता है। और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इन गाड़ियों का स्टीयरिंग कॉलम है वो ख़राब होता है या जाम हो जाता है, जिससे हमारा जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और एक तरह से चिपक जाता है, पकड़ बना के रखता है। स्टीयरिंग हार्ड है और अपने आप चिपक जाता है। तो आप एक बार कंपनी में दिखाएं, सर्विस सेंटर दिखाएं, हो सकता है इस गाड़ी का स्टीयरिंग का जो कॉलम है उसमें प्रॉब्लम हो। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं @9starN, और ये लिखते हैं, हेलो सर, गाड़ी का स्टीयरिंग प्रॉब्लम कैसे पता करें? तो देखिए, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है स्टीयरिंग की, ये आप चलाकर पता कर सकते हैं। जैसे स्टीयरिंग हार्ड है, जो अभी मैंने आपको बताया, तो ये ज़्यादातर मारुति की गाड़ियों में थोड़ा सा टाइट होता है, हार्ड होता है, और जो हुंडई की, होंडा की, टोयोटा की जो गाड़ी हैं, उनमें थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग है, जिस कंपनी की गाड़ी है उस हिसाब से उसका स्टीयरिंग अपनी परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा अगर स्टीयरिंग में और कोई प्रॉब्लम है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग एक तरफ भाग जाता है, राइट या लेफ्ट, या गाड़ी का स्टीयरिंग हमें पकड़ के रखना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में व्हील अलाइनमेंट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और स्टीयरिंग का जो कैलिब्रेशन होता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर का, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हम चलाकर ही उसको पता लगा सकते हैं कि उसके स्टीयरिंग में क्या प्रॉब्लम है। अगर हमें गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के रखना पड़ता है और छोड़ते ही स्टीयरिंग अपनी सही पोजिशन में आ जाता है, गाड़ी लेफ्ट या राइट को जाती है, तो ये व्हील अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका जो स्टीयरिंग का सेंटर है वो सही नहीं है। और इसके अलावा हम पकड़ के रखते हैं स्टीयरिंग को सीधा, तब गाड़ी सीधी चलती है, और लेफ्ट को या राइट को स्टीयरिंग भी पुल कर जाता है, तो ये स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और कई परसेंटेज में टायर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि टायर की वजह से भी हमारी गाड़ी लेफ्ट या राइट को पुल करती है। तो ये ठीक अंदाज़ा आप चलाकर ही लगा सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं जैमिन पटेल, और ये लिखते हैं, हाय सर, टाटा टियागो गाड़ी का अलाइनमेंट करने के बाद भी स्टीयरिंग किसी एक तरफ खींच रही हो, तो उसका सेटिंग कैसे करें? देखिए, टाटा की टियागो या टिगोर या नेक्सोन, इन दो दो तीन गाड़ियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू से ही आ रही है स्टीयरिंग से संबंधित। जैसे स्टीयरिंग आपका हल्का सा लेफ्ट को या राइट को रहता है जब गाड़ी सीधी चलती है, या हमें स्टीयरिंग पकड़ के हल्का सा रखना पड़ता है और छोड़ने पर गाड़ी लेफ्ट जाती है, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली है वैसे व्हील अलाइनमेंट की,
क्योंकि हमारे पास नई नई गाड़ियां भी इस तरह की आती हैं जिसमें अलाइनमेंट की जो सेटिंग है, जो स्टीयरिंग की सेटिंग है वो सेंटर में नहीं है, और इसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, ईपीएस सिस्टम है, इससे स्टीयरिंग की वजह से हमारी गाड़ी पुल करती है। तो अगर आपको स्टीयरिंग पकड़ के रखना पड़ता है तब तो गाड़ी सीधी चलती है, और छोड़ने पर अपनी जगह पर आ जाता है, गाड़ी लेफ्ट जाती है, तो स्टीयरिंग का जो सेंटर है वो आउट है। और अगर स्टीयरिंग सीधा रहता है, हम पकड़ के रखना पड़ता है, तब गाड़ी सीधी चलती है, और छोड़ते ही स्टीयरिंग भाग जाता है लेफ्ट को राइट को, तो फिर वो स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम है। वैसे इसके अलावा आप टायर भी रोटेट करके देख सकते हैं आगे वाले, कई बार टायर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी गाड़ियों में आ सकती है टायर वाली। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं एन के एडिटर 5075, और ये लिखते हैं, सर बुलेरो में लेफ्ट पुलिंग हो रहा है, अलाइनमेंट सही है। देखिए महिंद्रा की जो बुलेरो गाड़ी है उसमें अगर लेफ्ट या राइट पुलिंग की प्रॉब्लम है तो, और अलाइनमेंट आपकी सही है, तो सबसे पहले आप टायर को रोटेट करें, आगे वाले जो टायर हैं उनको रोटेट करें, और उसके बाद गाड़ी चला कर देखें। ये प्रॉब्लम आपकी 50% तक ठीक हो जाती है। अगर ऐसा नहीं है, आपने टायर रोटेट कर लिए हैं, लेफ्ट पुलिंग या राइट पुलिंग नहीं सही हो रही है, तो उस गाड़ी का कैम्बर चेक करें और कैस्टर चेक करें। कैस्टर की एडजस्टमेंट इस गाड़ी में है, कैस्टर से आप थोड़ा बहुत पुलिंग को रोक सकते हैं, और अगर कैम्बर आउट है तो उसकी एडजस्टमेंट आपको सिम के द्वारा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सस्पेंशन में और कोई कैम्बर की एडजस्टमेंट नहीं है। अगला कमेंट लिखने वाले हैं मोइन शेख, और ये लिखते हैं, मारुति सुजुकी ईको 2021 पीछे के टायर घिस रहे हैं। दोस्तों पीछे के टायर घिसने की बहुत ही समस्या आ रही है, काफी कमेंट आ रहे हैं और काफी वीडियो में इस पर बना चुका हूं। ज्यादातर मारुति की गाड़ियों में पीछे के टायर घिसने की समस्या आ रही है। वैसे ईको की बात करें तो इसमें रियर व्हील ड्राइव है, क्योंकि इसमें पीछे डिफरेंसर लगा हुआ है, और इंजन का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो हमारा पीछे वाले पहियों से कनेक्टेड है, पीछे वाले पहिए घूमते हैं, जोड़ लगाते हैं, तो रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, इससे थोड़ा सा टायर घिसता है, क्योंकि फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा होता है, और आगे का जो टायर घिसता है वो व्हील अलाइनमेंट की वजह से घिसता है। लेकिन उसके बाद अगर टायर घिसता है, ज़्यादा ऊंचा नीचा घिसता है, अनइवन घिसता है, या फिर भी ज़्यादा घिस रहा है, तो आपके शॉकर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसमें और कोई सस्पेंशन का ऐसा कोई पार्ट नहीं है, शॉकर या कमानी होती है, तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप चेक कराएं और वो सही कराएं। और सही जो प्रॉपर इलाज है इसका, मैं आप हर 5,000 पर टायर रोटेशन करते रहें, क्योंकि तो मैंने काफ़ी बार देखा गया है कि लोग टायर रोटेशन करवाते ही नहीं हैं, व्हील अलाइनमेंट कराते रहते हैं, और आगे का अलाइनमेंट हमारा सही होता है, पीछे के टायर घिस जाते हैं, या कई बार आगे का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और पीछे के टायर सही रहते हैं, और टायर रोटेशन नहीं हो पाते हैं, जिससे हमारे टायर जल्दी खराब होने लगते हैं। तो टायर रोटेशन एक अच्छा सॉल्यूशन है हर 5,000 पर, जिससे हमें टायरों की लाइफ ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपकी गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं, और इसका रिप्लाई आप ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तो इस तरह का कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।